हेलो फ्रेंड्स मैं प्रियल आपका एग्जामपुर में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज अब टॉपिक देख ही लिया होगा मिक्स्ड क्वेश्चन आज वापस से हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे रेगुलर हम लोग वही कैसे क्वेश्चन करते हैं जैसे कि सारे के सारे टॉपिक्स एक बार रिवाइज हो जाएं आ, आपके एग्जाम जो भी एग्जाम्स चल रहे हैं आपके आर कांस्टेबल कुछ एग्जाम्स रह गए हैं तो उन सबके लिए ये क्वेश्चन फायदेमंद हो जाते हैं मतलब ऐसे एक्चुअली इन क्वेश्चन से क्या हो जाता है आपका रिविजन जाता है प्रॉपर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती बैक टू बैक आप क्वेश्चन करते हैं तो जितना भी ओवरऑल सिलेबस है वो आपका रिवाइज हो जाता है ठीक है तो फटाफट आप सभी लोग शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है फिर हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग फटाफट शेयर कर दो और लाइक कर दो जिन लोगों ने नहीं किया है फटाफट शेयर कर दो लाइक कर दो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आज फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं है। आपका पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन आपका पेपर फोल्डिंग का है आपको पता है एग्जाम्स में आपके नॉन वर्बल सबसे ज्यादा आता है बताओ इसका आंसर क्या होगा बताओ इस इसका पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा आ, आपका ये उसका क्वेश्चन है पेपर फोल्डिंग वेरी गुड हरपाल प्रजापत गौरी कुमारी बिल्कुल सही विनू सरसागर वेरी वेरी गुड वेरी गुड, गुड, गुड मॉर्निंग सभी को ही बताओ बिल्कुल सही क्या होगा इसका आंसर फर्स्ट फर्स्ट का क्या हो जाएगा डी ऑप्शन देखो क्या क्वेश्चन है आपका इस तरह का आपकी बनी हुई है फिगर इतने पोर्शन में आपकी इतने पोर्शन में क्या बना हुआ है ये इस तरह का मान लेते हैं ठीक है आपके दो डॉट्स बने हुए हैं दो डॉट्स बने हुए हैं अब क्या बोला था इसको ऐसे खोलेंगे इसको ऐसे खोलेंगे तो क्या कोई सेम डॉट्स यहाँ बन जाएगी फिर इसको ऊपर खोल देंगे तो क्या हो जाएगा सेम डॉट्स यहाँ बन जाएंगी तो क्या हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी में कैसे हो जाएगा कैसे बोला था पहले इतना हुआ इसको खोलेंगे तो क्या होगा सेम डॉट्स मिरर इमेज बनती है बोला था ना आपको कि जब खोलते हैं तो एक्जैक्टली मिरर इमेज बना दो जितना डिस्टेंस डिस्टेंस पे पे उतना लेके मिरर इमेज बनाओ और उसका फिर ऊपर फोल्ड करेंगे तो जितना डिस्टेंस यहाँ पे उतना डिस्टेंस पे होगा वापस से मिरर इमेज बना दो ठीक है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं बिल्कुल सही चंदन प्रीत कौर बिल्कुल सही नितेश गोलू चौधरी एकदम सही है आप सबका आंसर क्वेश्चन ऑप्शन से से एक से ज्यादा हो सकते हैं एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं इसके नीचे, हो थे, नीचे वाले नहीं दिए हुए हैं जो फिगर इनमें से एक से ज्यादा फिगर बन सकती है तो आंसर देख के बताना कि एक, एक सिर्फ एक आंसर जरूरी नहीं है इसका हो एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं इसके <coughs> बताओ क्वेश्चन नंबर टू में क्या होगा इसमें एक से ज्यादा आपकी फिगर हो सकती है क्वेश्चन नंबर टू में आपकी फिगर कैसी है इस तरह की कोई फिगर है आपकी चार हैं फिर एक आपको यहाँ बना हुआ है और एक आपका इधर बना हुआ है ठीक है ये हो गया आपका क्रॉस ये हो गया स्टार और ये हो गया आपका तो देखो पहले क्या बनाएंगे ये दोनों अपोजिट होंगे एक दूसरे के ये अपोजिट मतलब स्टार के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका जेड ये ब्लैंक है दो ब्लैंक्स आ गए ब्लैंक के अपोजिट आपका ब्लैंक हो गया क्रॉस के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका ब्लैंक हो जाएगा आया समझ में ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए और ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए अब देखो फिगर में क्या है पहली फिगर क्या है आपकी एक आपका स्टार हो गया एक आपका क्रॉस हो गया और एक ब्लैंक हो गया देखो अब देखना चाहिए ये तीनों चीजें जो आ रही है वो अलग अलग लाइन में आनी चाहिए अलग लाइन एक लाइन आना चाहिए एक एक इसमें इसमें आना आना चाहिए चाहिए अलग लाइन में आना चाहिए कोई भी दो सेम लाइन वाले आ गए ना तो गलत हो जाएगा मतलब क्या ये वाला ऑप्शन बन सकता है ब्लैंक भी है यहाँ पे भी है तो हम सोच सकते हैं कि ब्लैंक ये वाला भी हो सकता है तो क्या पहला ऑप्शन एकदम सही है दूसरा वाला चेक करते हैं हम लोग क्या है स्टार हो गया आपका

क्रॉस ये वाला हो गया मान लिया चलो ठीक है ब्लैंक देखो दो ब्लैंक दे रखे हम लोग ये भी मान सकते हैं कि एक ब्लैंक इस वाले लाइन का होगा एक ब्लैंक इस लाइन का होगा ये भी ऑप्शन हो सकता है क्या हो जरूरी नहीं है कि ये दोनों जो ये दोनों जो ब्लैंक है आपके वो इसी लाइन के हो ये भी हो सकता है कि एक ब्लैंक इस लाइन का हो और एक ब्लैंक इस लाइन का हो तो ये वाला ऑप्शन भी बन सकता है सी भी बन सकता है ऑप्शन नंबर डी क्या है जेड नहीं क्रॉस और आपका दो ब्लैंक देखो दो ब्लैंक आ गए दे क्रॉस ये रहा अब दो ब्लैंक या तक हम माने कि ब्लैंक एक इसका है एक इसका है तो ये दोनों क्या हो गए एक लाइन वाले हो गए तो गलत हो गया अगर मान ले ये ब्लैंक दोनों कहा इस वाले के हैं तो भी गलत हो गया तो क्या हो जाएगा ये वाला ऑप्शन गलत मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी आंसर क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए एंड सी समझ आया कैसे हुआ राजू दास वैष्णवी वैष्णव अब देखो ऑप्शन नंबर ए तो एकदम सही है ही ये ए है ये बी है आपका ये आपका सी है और ये डी है अब देखो ऑप्शन नंबर सी भी बन सकता है ऑप्शन नंबर सी भी बन सकता है ऐसा में कैसे हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कौन कौन सी फिगर बन सकती है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी इसमें बन सकती हैं क्वेश्चन नंबर थ्री देखो अब बिल्कुल सही नितेश बाबू एकदम सही है आपका आंसर ए एन सी होगा बताओ क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर दो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर दो क्या होगा इसका आंसर देखो इसके अंदर आपको क्या बताना है एम के अपोजिट इनमें से कौन सा लेटर है जो एम के अपोजिट नहीं हो सकता कौन सा लेटर है जो एम के अपोजिट नहीं हो सकता अब देखो पहले ऑप्शन में क्या है हम लोग क्या मैंने क्या बोला था आपको देखो क्या है आई आपका जे और ये के एम एल के हो गया एन एम जे एन एम और जे ये हो गए अब देखो इन दोनों से देखते हैं इन दोनों को मैच करो देखो कॉमन क्या है आपका के कॉमन है तो के से स्टार्ट करेंगे हम लोग के फिर क्लॉकवाइज चलेंगे फिर जे और फिर आई यहां से स्टार्ट करो के एल और एम एम के अपोजिट क्या है आपका यहाँ पे एम के अपोजिट आपके आ गया आई एम के अपोजिट क्या है आपका आई आ गया इन दोनों को मैच करते है. क्या आएगा ऑप्शन में आपका एम कॉमन है तो एम के और एल यहाँ से देखो एम एन और जे ठीक है ऑप्शन में क्या नहीं है आई नहीं है तो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग में क्या है हमारा एम के अपोजिट हो जाएगा आई अब इन दोनों को देखते हैं इन दोनों को देखेंगे तो क्या आएगा जे आई के और यहां से जे एम एन एम के अपोजिट क्या आ गया आपका आई तो क्या आएगा एम के अपोजिट आई होगा तो कौन सा वाला नहीं होगा कौन सा वाला नहीं होगा एल और के क्या हो गया आंसर ऑप्शन नंबर डी एम के अपोजिट होगा कौन सा आपका आई अपोजिट होगा आई आपके अपोजिट होगा तो कौन सा वाला ऑप्शन नहीं होगा आपका कौन सा ऑप्शन नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा एल एन के एल एन के एम के अपोजिट नहीं होगा हमें पूछा था क्वेश्चन में कि एम के अपोजिट कौन सा वाला नहीं होगा आय शबा शुक्ला आपका आंसर गलत है चेक करो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा बेटा एल एन के क्वेश्चन में क्या होगा पूछा ये नहीं था कि कौन सा अपोजिट में होगा ये पूछा था क्वेश्चन के अंदर कौन सा अपोजिट में नहीं होगा तो आंसर आपका एल एन किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल रंजीत रोहन मिश्रा एकदम सही है क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर दो अब क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर दो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर दीजिए अब अब इन सब फिगर को इकट्ठा करना है और बताना है इन सबको फिगर को इकट्ठा करने के बाद एक साथ जोड़ देंगे तो इनमें से कौन सी वाली फिगर बन सकती है देखो तो इजी सा है ये वाला बिल्कुल सही फोर्थ क्या हो जाएगा बी ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा बी ऑप्शन देखो जो ये वाली फिगर है आपकी ये जो फिगर है आपकी इस तरह की बनी हुई है ये जो फिगर है ये आपकी कहाँ दे रखी है ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है किसमें दे रखी है आपकी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दे रखी बाकी किसी भी फिगर के अंदर ऐसी वाली फिगर नहीं बनी हुई तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी देखो पूरी फिगर देखोगे पूरी फिगर बना के देखोगे तो नहीं बनेगी आप ऐसी चीजें देखो जो सिर्फ एक आध फिगर में दे रखी होती है देखो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है तो आप एलिमिनेट सीखो कि कौन सा वाला ऑप्शन नहीं हो सकता पहले वाला नहीं होगा इसके अंदर ये डायग्राम नहीं बना हुआ ठीक है

फोर्थ का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर फाइव देखो क्वेश्चन नंबर फाइव आपका क्या है आपका सिटिंग का क्वेश्चन है मंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है और बताना इसका आंसर क्या होगा बताओ कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन नंबर फाइव देखो क्या होगा इसका आंसर रीता जाजपूत वेरी गुड फिफ्थ का आंसर बताओ क्या होगा फिफ्थ का लकी बाबा का पहला आंसर आया आपका देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पहला देखो इसमें क्या लिखा हुआ है जनवरी मार्च मई जून और अक्टूबर दिसंबर क्या है जनवरी मार्च तो कोई क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? पहले आप ये देख लो जनवरी मार्च मई जुलाई और जनवरी मार्च मई जुलाई अक्टूबर और दिसंबर ये आपका हो गया इससे लाइन खींच लो अब कितने गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है छह हो गए ये क्या हो गए ये सारे छह हो गए अब देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर ए आ, ए वर्ष की दूसरी छमाई में नहीं जाता दूसरी छमाई में नहीं जाता मतलब क्या हुआ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जून तक ही ए जाता कहीं पे जून के बाद नहीं जाता तो देखो मे यहां तक तो क्या हुआ ए यात्री तो यहाँ आएगा ए यात्रा तो यहां पे आएगा और ए यात्रा तो यहां पे आएगा तीन कंडीशन हमने मान ली एक यहां पे आ सकता है यहाँ पर या तो यहां आएगा या यहाँ आएगा या फिर यहां आएगा अलग अलग ब्लॉक्स में लिख लिया फिर क्या लिखा हुआ है आई और बी के बीच में केवल दो लोग बैठते हैं आई और बी के बीच में केवल दो लोग बैठते हैं ठीक है दो लोग बैठ गए अब और क्या लिखा है आई या तो मार्च में जाएगा या अक्टूबर में जाएगा आई कहा जाएगा या तो मार्च में जाएगा या अक्टूबर में आ जाएगा ठीक है तो क्या हुआ आई या तो यहाँ पे आएगा तो बी कहा आएगा एक दो बी आएगा अगर आई यहां पे आएगा तो बी कहा आएगा आपका यहां आएगा आए समझ में आई अगर यहां पे बैठ गया तो बी कहां पे आएगा यहां पे आएगा नहीं तो ये वाला गलत हो गया और आई अगर यहां बैठ गया तो एक दो बी या तो यहां पे आएगा या यहां पे आएगा आय समझ में कैसे बोला देखो उसमें क्या लिखा है आई या तो मार्च में जाएगा या अक्टूबर में जाएगा सपोज आई यहां पर जाता मार्च में जाता है तो बी कहा जाएगा एक दो

अगर देखो बी यहाँ पे सोचते बी यहाँ आ गया तो एक दो तीन जे यहाँ आएगा अगर बी यहाँ आ गया तो एक दो तीन जे के लिए कोई जगह नहीं बचती तो क्या हो जाएगा आपका बी यहाँ पे आएगा और आई यहाँ आएगा ठीक है जे कहां पे आएगा वन टू थ्री जे आपका यहां आ गया अब क्या लिखा हुआ है के मई में नहीं जाता के क्या है मई में नहीं जाएगा तो यहां पे नहीं जाएगा तो के कहा बैठेगा यहीं बैठेगा सिर्फ एक ही जगह बचती है अब बच्चा कौन सा आपका ऑप्शन में आई हो गया जे हो गया के हो गया एल एल फिर यहां बैठ जाएगा आया समझ में कैसे हुआ ये वाला क्वेश्चन पंकज तो मंडल एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे करा जाता है ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कैसे हुआ फटाफट पत आंसर दो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ आपका <coughs> अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं वापस रिपीट करूंगी बताओ आ, समझ में आया या नहीं आया वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये वाला आपके इस टाइप के क्वेश्चन आजकल आने लग गए तो बताओ क्या आया समझ में या नहीं आया क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे प्रैक्टिस करोगे तब जाके समझ में आएगा ऐसे नहीं आएगा बेटा ये क्वेश्चन वेरी गुड महेंद्र राणा आपको आ, ये क्वेश्चन आते हैं बेटा आजकल कोई एग्जाम्स में रिपीट रिपीट है वापस रिपीट कर देती हूँ देखो कैसे होगा देखो ये इरेज कर देती हूँ फिर वापस देखते हैं एक बार हम लोग देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि ए दूसरी छमाई में नहीं जाता दूसरी छमाई का मतलब क्या हुआ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून अगर ए जाएगा तो जून तक जाएगा पर जून के बाद नहीं जाएगा तो क्या हुआ ऑप्शन हमारे पास जून तक कौन कौन से आ ये वाले मंथ ये तीन मंथ से जून से पहले आते हैं तो या तो यहाँ जनवरी में जाएगा या तो ये मार्च में जाएगा और या फिर मई में जाएगा तीन ऑप्शन हो गए हमारे पास तीन हमने बना डाए, फिर क्या लिखा हुआ है आई और बीच आई और बी के बीच में से दो लोग जाते हैं आई और बी के बीच में मैंने बताया ना बफर बनाना है ये वही बफर है आई और बी के बीच में कितने लोग जाते हैं दो लोग जाते हैं ठीक है ठीके? और क्या लिखा हुआ है आई या तो मार्च में जाएगा और या अक्टूबर में जाएगा मान लेते हैं आई मार्च में जाता है आई अगर मार्च में गया तो बी कहा जाएगा एक दो बी यहां पे जाएगा ठीक है मान लो कि आई आई आपका अक्टूबर में जाता है यहां तो किएगा एक दो बी यहां जाएगा आया समझ में सेम ऐसे देखते हैं आई यहां जानी चाहते यहां पे ए ऑलरेडी बैठा हुआ है तो आई कहा जाएगा यहां पे जाएगा अगर आई को यहां बिठाते हैं तो देखो एक दो बी बी बैठ ही नहीं पाएगा तो क्या हुआ गलत हो गया सेम ऐसे देखते हैं अगर आई को यहाँ बिठाएंगे तो बी कहा जाएगा एक दो बी यहाँ बैठेगा अगर आई को यहाँ बिठाएंगे अक्टूबर में तो एक दो बी यहाँ पे बैठ जाएगा आया समझ अब क्या लिखा हुआ ए से पहले कोई जाता ही नहीं है ए से पहले कोई जाता नहीं है तो क्या जनवरी में ए जाएगा तो उससे पहले कोई जाना यहाँ पे एकदम सही है पर यहाँ पे क्या ए से पहले कौन जा रहा है आई या बी में से कोई और यहाँ वाला पर्सन भी ठीक है ये दो लोग हैं जो ए से पहले जा रहे हैं तो ये वाला क्या हुआ गलत हो गया बोला क्या है ए से पहले कोई नहीं सकता तो क्या है ए से पहले कोई जाएगा नहीं तो ए कहां बैठेगा सबसे ऊपर बैठ गया ये हमारा हो गया अब क्या लिखा हुआ है इसमें बी और जे के बीच में तीन लोग हैं मान लो बी यहां बैठा है बी यहां बैठा हुआ है मान लो तो जे देखो एक दो तीन यहाँ पे ए यह ऑलरेडी बैठा हुआ है तो बैठा नहीं सकते अब देखो मान लो बी यहाँ पे है तो एक दो तीन जे यहा आ सकता है तो क्या हुआ आपका आई यहाँ बैठेगा और बी आपका यहाँ बैठ जाएगा इससे ये पता चल गया एक दो तीन जे यहाँ पे आ गया अब क्या लिखा है के जो है आपका मई में नहीं जाएगा तो के कहा जाएगा आपका एक ही जगह बचती है और बचा कुछ कौन सा है? एल, तो वो यहां बैठ जाएगा बताओ कैसे होगा समझ में आया वाला क्वेश्चन बेटा दोनों एक साथ सैनिक से, गुरु जी दोनों एक साथ नहीं बैठा है मैंने क्या बोला था आई या तो यहां बैठेगा देखो मैंने क्या बोला आई और बी का देखो आई क्या बोला मार्च और अक्टूबर है आई अगर यहाँ बैठेगा तो बी कहा बैठेगा देखो आई के पास दो ही जगह है या तो मार्च में बैठेगा या फिर अक्टूबर में बैठेगा दो ही जगह है इसके पास मान लो मार्च में बैठा है तो बी कहा बैठेगा एक दो बी यहां बैठेगा है ना ये एक तो कंडीशन ये बनेगी दूसरी कंडीशन क्या बोलेगी बन सकती है हो सकता है कि आई हमारा अक्टूबर में बैठ जाए ये कंडीशन बन सकती है तो बी कहा बैठेगा आपका यहाँ बैठेगा एक दो बी बैठेगा फिर लास्ट में प्रूफ हो गया कि बी कहां बैठेगा आपका यही बैठेगा आई यहां बैठेगा आई समय कैसे हुआ क्वेश्चन सबंध में आए वाला कैसे हो गया आपका ठीक आप है अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं अब देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको बताना है ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बताओ क्या होगा फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा अभी तक इसका आंसर नहीं आया फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा ये आपका होमवर्क है ठीक तो है होमवर्क में क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं ये आपका होमवर्क ही आपका आंसर देना है आपको ठीक है ना कल सॉल्व करवाऊंगी इस क्वेश्चन को आज सभी लोग आप लोग आंसर देंगे इसका आंसर आज मैं नहीं दूंगी क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेवन देखना सेवन का आंसर दो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है वाला आप लोग करके बताइएगा और कमेंट कीजिएगा इसका आंसर और कल मैं बताऊँगी इसका आंसर एक्चुअली में है क्या ठीक है कल मैं सॉल्व करके बताऊँगी इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर सेवन बताओ क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर दो क्या होगा इसका आंसर सेवेंथ का आंसर बताओ क्या है इनमें से कौन सा वाला लीप ईयर है ये बताना है आपको कौन huh. सा वाला लीप ईयर है ये आपको बताना है बताओ क्या होगा इसका आंसर सेवेंथ का आंसर दो कौन सा वाला इनमें से बताना है कौन सा लीप ईयर है देखो लीप ईयर की कंडीशन क्या होती है लीप ईयर की कंडीशन क्या होती है आपकी कि फोर से डिवाइड होना चाहिए फोर से डिवाइड होना चाहिए तो इनमें तो इन से कौन सा वाला फोर से डिवाइड हो रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी आपका फोर से डिवाइड हो तो रहा है क्या है टू डबल फोर एट फोर से डिवाइड होगा अब देखो फोर का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं कि ऐसे देख के कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर फोर से डिवाइड हो भी रहा है या नहीं हो रहा जैसे ये नंबर है टू फोर फोर एट देखो फोर की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं लास्ट के दो डिजिट लास्ट के दो डिजिट है वो फोर से डिवाइड होने चाहिए लास्ट के दो डिजिट जो है वो आपके फोर से डिवाइड होना चाहिए तो इससे पता चल जाएगा कि से डिविजिबल है या नहीं तो देखो फोर्थ से डिवाइड करेंगे तो फोर 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 टू जय एट जब डिवाइड पूरा पूरा हो रहा है तो मतलब डिविजिबल है ये वाला अब देखो टू जीरो कौन सा करना है आपको ये डिवाइड करना है खाली लास्ट के दो डिजिट देखो सिक्स जो ट्वेंटी फोर होता है ट्वेंटी सिक्स नहीं आता की टेबल में. की टेबल, 26 नहीं आता, 24 आता है तो मतलब दो रिमाइंडर तो डिवाइड कर हो भी रहे या फिर नहीं हो रहे है? उससे आंसर आ जाएगा आपका सेवन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं बिल्कुल सही विवेक कुमार लास्ट के दो डिजिट से चेक हो जाता है कि ये डिविजिबल है या फिर नहीं है संतोषी सिंपी बिल्कुल सही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर एट देखो क्वेश्चन नंबर एक आपका एट आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है अरेंज हुए एक लाइन के अंदर बताना है कितने टोटल कितने लोग हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने आपको बताओ क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर एट में आपका आपको सिटिंग uh, सिटिंग uh, नहीं आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है बताना है कितने लोग टोटल कितने लोग हैं लाइन में बताओ क्या होगा इसका आंसर सी सी नहीं होगा बेटा आंसर चेक करो वापिस से क्वेश्चन नंबर एट हम देखते हैं क्या होगा इसका आंसर देखो तो एट्थ में क्या है आपका आ, क्या एक स्टूडेंट्स हैं एक लाइन में बैठे हुए हैं ठीक है एक लाइन में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ये लाइन हो गई आपकी क्या लिखा हुआ है आरवी है फिफ्थ फ्रंट से आगे से फिफ्थ है आरवी आर ही क्या है आगे से फिफ्थ है मतलब ये फिफ्थ नंबर पे है इससे पहले कितने लोग बैठे हुए हैं चार लोग इससे पहले बैठे हुए हैं और ये कौन सी पांचवी है अब क्या लिखा हुआ है दूसरा आपका जय जो है वो एर्थ है कहां से बैक से. बैक से से क्या है जय जो जय है वो एर्थ पे है बैक से तो मतलब यहाँ पे कितने लोग होंगे सात लोग होंगे और ये कौन सा आठवा है फिर क्या लिखा हुआ है राघव और जय के बीच में राघव और जय के बीच में उतने ही लोग हैं जितने जय और आरवी के बीच में हैं क्या लिखा इस आ, आ, है इसमें आपका राघव आखिरी से राघव और जय के बीच में जय यहाँ पे राघव मान लो यहाँ पे होगा राघव और जय के बीच में राघव और जय के बीच में ठीक है मान लो राघव यहाँ पे है मान लो राघव यहां पे है ठीक है राघव मान लो यहां पे है नहीं लिखा हुआ है इसमें सॉरी राघव लिखा हुआ है बैक लास्ट में बैठा हुआ है राघव आपका यहां पे बैठा हुआ है राघव कहा हुआ है यहां पे तो मतलब देखो देखो क्या लिखा हुआ था जय जो है वो आखिरी से आठवीं पोजीशन पे आखिरी से आठवीं पोजीशन पे तो मतलब क्या इससे पहले कितने लोग होंगे सात लोग होंगे इन सात लोगों में से राघव भी तो, तो ये आखिरी तो बैठा हुआ है हो गए राघव में कितने लोग हो गए आपके छह लोग हो गए ठीक है तो यहाँ पे देखो तो क्या लिखा हुआ है जितने लोग राघव और जय के बीच में उतने ही लोग जय और आरवी के बीच में तो यहाँ पे कितने हो गए यहाँ पे भी छह लोग हो गए तो आंसर क्या हुआ फोर ये वाले प्लस ये वाला प्लस छह ये वाला ठीक है और प्लस एक दो और ये तीन तीन ये हो गए आया समझ में तो कितना आंसर आ जाएगा आपका नाइनटीन इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइनटीन इसका सही आंसर हो जाएगा समझ आया वाला क्वेश्चन कैसे हुआ इसका आंसर क्या होगा नाइनटीन होगा बेटा ट्वेंटी नहीं वो ट्वेंटी स्टार्टिंग ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर आया समझ में कैसे हुआ वाला क्वेश्चन ऊषा यदुवंशी आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की होगी ओके प्रैक्टिस करोगे आप तो इन क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन है नहीं ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर नाइन बताओ क्या होगा इसका आंसर बेटा ट्वेंटी नहीं होगा लक्ष्मण कुमार आंसर नाइनटीन ही होगा क्वेश्चन नंबर नाइन बताओ क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन बताओ क्या होगा इसका आंसर नाइन्थ बताओ क्या होगा इन्थ का अभी तक समझ में नाइन्थ का आंसर अभी तक नहीं आया है तो क्या है थर्टीन प्लस फिफ्टी नाइन देखो थर्टीन प्लस फिफ्टी नाइन क्या हो गया सेवेंटी टू ठीक है इसको टू से डिवाइड कर दो टू थ्री या सिक्स और टू सिक्स ट्वेल्व कितना हो गया थर्टी सिक्स आए समझ में कैसे होगा ये वाला दोनों को प्लस करो फिर टू से डिवाइड कर दो सेम ऐसे फोर्टीन प्लस सिक्सटी टू कितना हुआ आपका सेवेंटी सिक्स टू से डिवाइड करो टू थ्री या सिक्स टू एट या सिक्सटीन थर्टी एट सेम यही फिफ्टीन और ट्वेंटी नाइन को ऐड करो कितना हुआ फोर्टी फोर डिवाइडेड बाई टू मतलब टू और टू तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ट्वेंटी टू ऑप्शन नंबर सी नाइन का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देखो क्या करना है दोनों को प्लस करो और फिर टू से डिवाइड करना है आपको बिल्कुल सही उषा नितेश चंदन अर्जुन विष्णु यशपाल एकदम सही है आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका ट्वेंटी टू इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन आपका स्लॉक का क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन का क्वेश्चन है बताओ क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर टेन आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है देखो ऑल रॉक ऑल स्टोन आर रॉक सारे के सारे स्टोन जो हैं वो क्या है रॉक है ये हो गया दूसरा क्या दे रखा है ऑल स्टोन आर ब्रिक सारे के सारे स्टोन जो है वो क्या है ब्रिक्स है तो या तो ये यहां बनेगा या तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्रिक्स हो जाएगा एक कंडीशन ये हो जा सकती है एक क्या होता है ये तो स्टोन हो गया आपका ये आपका रॉक हो गया और इधर मान लो ब्रिक्स हो गया दोनों कंडीशन से ये प्रूफ हो रहा है कि ऑल स्टोन आर आपका ऑल स्टोन आर ब्रिक्स प्रूफ हो रहा है अब देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है ऑल रॉक बींग स्टोन सारे की सारे रॉक बींग स्टोन सारे की सारे रॉक स्टोन नहीं हो सकते। देखो क्या है रॉक आपका बाहर है और स्टोन आपका अंदर है तो ये जो ये वाली ये जगह है वो कभी भी स्टोन नहीं बन सकती क्या होगा क्या देख रखा ऑल स्टोन आर रॉक देखो अब देखना ये चीज ध्यान से देखना, देखना क्या चीज है इसके अंदर देखो अगर ये चीज आ गई ये कंडीशन है हमारी देखो ये दोनों कंडीशन सेम सी कंडीशन है सिर्फ ब्रिक्स का फर्क पड़ रहा है देखो सारे स्टोन रॉक है ये दे रखा है अब क्या दे रखा है इसमें अगर ये होता है क्वेश्चन ऑल ऑल स्टोन स्टोन रॉक सिर्फ रियल कंडीशन होती है ऑल रॉक इज स्टोन तो हम क्या बोलते हैं गलत बोलते है, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो कभी भी रॉक नहीं होगा अगर रियल कंडीशन है अगर पॉसिबिलिटी आ गई तो क्या है देखो एक ये चीज बन सकती है देखो हमने ये स्टोन बनाया ये स्टोन हो गया और इसके ऊपर ही रॉक बना दिया इसके ऊपर ही क्या हो गया रॉक बना दिया तो इससे भी हमें कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्या है ऑल स्टोन आर रॉक सारे के सारे स्टोन क्या है आपके रॉक है इससे बन रहने वाली चीज भी तो क्या है पहली वाली पॉसिबिलिटी सही होगी पहली वाली पॉसिबिलिटी रियल कंडीशन सही नहीं होती पर पॉसिबिलिटी सही हो सकती है क्योंकि ये वाली कंडीशन भी बन सकती है इसके अंदर और ये स्टोन बना दिया इसके ऊपर ही रॉक बना दिया तो क्या हुआ ऑल स्टोन आर रॉक इज अ पॉसिबिलिटी पहला सही है दूसरा क्या है रॉक सारे सारे है रॉक है देखो, rock, देखो, ये तो तो देखो। इस condition के according तो बन रहा है। सारे की सारे bricks क्या है? है. इसमें बन रहा है पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा ये जो बच्चे कुचे ब्रिक्स है वो इसके अंदर रॉक नहीं है तो क्या हुआ दूसरी वाला रॉक हो गया देखो पॉसिबिलिटी के अंदर ये हो, देखते हैं हम लोग कोई भी कंडीशन कभी ना कभी कोई ना कोई कंडीशन बन सकती है लेकिन रियल में हम क्या देखते हैं कि सारे की सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कोई एक हो हो, तो क्या हो सकती है? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी क्वेश्चन था पर सेकंड वाले में क्या हुआ आपका रियल कंडीशन है तो देखो इसमें सेटिस्फाई हो रही है पर इस वाले डायग्राम में सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा आपका दो तो गलत हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा आए समझ तो आंसर क्या हो जाएगा आपका केवल वन केवल वन मतलब ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा? वन, ऑप्शन नंबर ए समझ आया वाला क्वेश्चन कैसे हुआ कौशल नितेश ज्ञान चंद्रा बिल्कुल सही है क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर इलेवन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अर्थ माउंटेन और फॉरेस्ट अर्थ है माउंटेन है और फॉरेस्ट है और रिलेशनशिप बताना है उनको वेन डेरंग का क्वेश्चन है आपका अर्थ है माउंटेन है और एक फॉरेस्ट है क्या होगा देखो अर्थ माउंटेन और फॉरेस्ट अर्थ है माउंटेन है और क्या है आपका फॉरेस्ट है अब देखो फौरेस्ट. देखो फॉरेस्ट अर्थ में क्या क्या होता है अर्थ में क्या क्या, क्या चीजें होती हैं आपका माउंटेन भी होता है और फॉरेस्ट भी होता है तो क्या ऑल माउंटेन आर इन अर्थ और सारे के सारे फॉरेस्ट भी अर्थ के अंदर है और सारे सारे माउंटेन भी अर्थ के अंदर है पर माउंटेन और फॉरेस्ट का क्या है कोई रिलेशन नहीं है नो रिलेशन माउंटेन और फॉरेस्ट का क्या है माउंटेन एक अलग चीज है और फॉरेस्ट एक अलग चीज है तो क्या हो गया इसका अंसर? आंसर आंसर माउंटेन आपका ये रहा फॉरेस्ट आपका ये रहा और इसके चारों ओर क्या हो जाएगा आपकी अर्थ तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए होगा नितेश भागु बिल्कुल सही अनु अनुज पाल एकदम सही क्या हो जाएगा आपका इलेवंथ का ऑप्शन नंबर ए क्योंकि अर्थ माउंटेन और फॉरेस्ट आय सवाल में कैसे हो गए वाला रोहित कुमार बिल्कुल सही अर्थ जो अर्थ है उसके अंदर क्या क्या आपको माउंटेन भी आ रहा है और फॉरेस्ट भी अर्थ के अंदर दोनों चीजें होती है माउंटेन भी होता है फॉरेस्ट के अंदर होता तो तो है मतलब यहां पे ऑल बन गया पर माउंटेन एक अलग चीज होगी फॉरेस्ट एक अलग चीज होगी तो इन दोनों में क्या हो जाएगा अलग अलग तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है इसका आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखो प्लम पोटैटो और फ्रूट पटेटो और फ्रूट प्लम का मतलब क्या होता है आपका आलू बुखारा जो होता है ना उसको हम प्लम बोलते हैं ठीक है थीके? तो क्या होगा इसके अंदर देखो प्लम क्या है आपका आलू बुखारा क्या एक फ्रूट है मतलब सारे के सारे क्या होते हैं सारे के सारे प्लम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके फ्रूट्स में आते हैं एकदम सही ठीक है पटेटो और फ्रूट में क्या रिलेशन है कोई भी नहीं पटेटो में एक अलग चीज है पटेटो फ्रूट फ्रूट में आता ही नहीं ये पटेटो तो क्या हो गया ये नो हो गया और प्लम्प और पटेटो में क्या रिलेशन है एक प्लम्प एक अलग चीज है एक अलग और पटेटो क्या एक अलग चीज है तो क्या हो गया इन दोनों में भी आपका नो हो गया ये भी नो तो देखो सारे प्लम्प ये प्लम्प हो गए ये क्या है आपके फ्रूट आ गए ये फ्रूट हो गए और पाटेटो को का रिलेशन ही नहीं है तो मतलब ये पटेटो हो गया तो कौन सा वाला ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका ट्वेल्थ का हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है आए समय में कैसे हुआ ट्वेल्थ का क्या हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर थर्टीन, थर्टीन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन का फटाफट आंसर तो क्या होगा इसका आंसर जूम अभी हो रहा है एक वेट करिए आप लोग एक सेकंड का फिर आपको क्वेश्चन दिखेगा ये वाला अभी देखेगा अब एक सेकंड का वेट करें, उसके बाद आपको क्वेश्चन दिखेगा ये वाला हाँ देखो जूम हो गया है अब बताना इसका आंसर ठीक है कल हम लोग क्लास अपनी यहीं से स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कल हम लोग कल हम लोग अपनी क्लास आपका होमवर्क यही है कि आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है और एक जो सेटिंग का क्वेश्चन मैंने दिया था आपको वो वाला क्वेश्चन सोल्व करना है ठीक है आपका ये होमवर्क हो गया जो भी क्वेश्चन नहीं आया आज आपको वो क्वेश्चन वापस रिपीट करेगा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चन उतनी ज्यादा स्ट्रॉग होगी क्योंकि रीजनिंग कुछ समझने का कुछ तो होता नहीं है जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका हाथ सेट होगा उतना ज्यादा आप लोग स्कोर कर पाएंगे एग्जाम के अंदर ठीक है तो आपका ये वाला क्वेश्चन और जो मैंने पहले होमवर्क दिया था वो वाला होमवर्क में आपको इसका आंसर कमेंट करना है ठीक है आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे जो लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी लोगों को आंसर जरूर कमेंट करना है और क्वेश्चन सॉल्व जरूर किया करो क्वेश्चन इजी हो जाए टफ हो क्वेश्चन जरूर गलत करके क्यों? सॉल्व तो ही नहीं करते चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे टफ हो आपको सारे के सारे copy, paste, करने ही करने। क्योंकि हाथ से निकल जाता है ना तो एग्जाम में क्या होता है दिक्कत नहीं होती वरना अगर आप क्वेश्चन हाथ सॉल्व नहीं करोगे ना तो एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत हो जाती है ठीक है तो आज की क्लास हम यहीं पर आपको अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और जो लोग भी न्यू है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक यू